सर गेट खोल दे, सर सर गेट खोल दे। कुंडी मत फड़का राजा, सीधा अंदर आ राजा। अबे पहले सामान को बटोर लेते। चलो ठीक है, खोलो गेट। अबे ये कैसे लफाड़िया बने चले आ रहे हो? बाजा बनाने आओ क्या? बताओ तुम्हें, ये लग रहा है लफाड़िया कि नहीं? अरे बताओ प्रभु, तुम ही से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ लग रहा है, लग रहा है। हाँ, बैठ जाए सर। अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? खोपड़ी में बैठो काबे, जाओ कुर्सी में बैठ जाओ चुपचाप। अच्छा तो ये बताइए आपका नाम क्या है? प्यार से सब हमें टोपा गुरु कहते हैं। वैसे आपका कोई नाम तो होगा कि सब ऐसा ही टोपा टोपा बुलाते हैं? वैसे तो हमारा नाम टीपू है। अच्छा आपका नाम टीपू है, बड़ा ही अच्छा नाम है। अच्छा तो टीपू जी बताइए आप कहाँ पे रहते हैं? कानपुर के रहे वाले हैं हम। अच्छा तो आप कानपुर के हो, वाह वाह। अच्छा हमारे तो ये बताइए आपके घर में कौन कौन है? घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, और नए साल में एसी भी खरीदे का सोच रहे हैं। अभी आदमी हो गए पैजामा, ये बताओ तुम्हारे घर में इंसान कौन कौन है? घर में भाई बहन तो होंगे ही। अच्छा फैमिली। हाँ फैमिली गई तो पूछ रहा था, पता नहीं आप कहाँ घर का सामान गिनाने लगते हैं। मेरी फैमिली में माँ है वो भी बूढ़ी है, पापा हैं वो भी बूढ़े हैं, दो बहनें हैं, दो भाई हैं और एक छोटा भाई है। वो भी बूढ़ा ही होगा अरे कैसी बात कर रहे हो सर जी, वो तो अभी जवान है। है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कुल मिलाकर कितने भाई बहन हो वैसे? अरे वैसे तो कुल मिलाकर हम 6 भाई हैं। वाह, तुम लोग 6 भाई हो, वाह वाह। और इन 6 में से आपका कौन सा नंबर है? वैसे तो हमार नंबर जियो का है। अरे क्या बता रहे हो, चूतिया हो गया 1 नंबर के। अरे अरे सर मेरा नंबर जियो का ही है, पिछले महीने तो खरीदे रहे। तुम्हारे भाइयों में से कितने लोग बड़े हैं तुमसे? वैसे तो सबसे बड़े हमें हैं। अरे यही तो मैं पूछ रहा था प्रभु, पता नहीं क्या जियो यो बताए चले जा रहे हो। ये बताओ तुम्हें नौकरी चाहिए कि नहीं? अरे सर नौकरी चाहिए, जरूर चाहिए, 25 साल से एक पीछे तो तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह, तब तो तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। अच्छा तो मैं तुमसे कुछ टेक्निकल सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है? अच्छा टेक्निकल सवाल, टेक्निकल तो हमारा बहुत ही बढ़िया है। बिजली पानी से बिजली बना देते हैं, माचिस से बीड़ी जला देते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं, टेक्निकल तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा ठीक है, पहले सवाल पूछने दो हमको। ये बताओ मुर्गी अंडे देती है? अरे बिल्कुल देती है। मूर्ख हो गया 1 नंबर के, बराबर कर रहे हो। पहले सवाल तो पूरा हो जाने दो, पहले सवाल सुनो ठीक से। मुर्गी अंडे देती है, गाय दूध देती है, तो बताओ कि ये दोनों कौन देता है? अरे सर ये किस किस सवाल पूछ रहे हो, ये इंटरव्यू में कहाँ पूछे जाते हैं सवाल। इसका मतलब तुमको कुछ नहीं आता है? अरे कौन देता है हमको, आता काहे नहीं है। तो बताओ ना बकलोली क्यों कर रहे हो? अरे दुकानदार होता है जो दोनों चीजें देता है। शाबाश, पहले कहीं पढ़े थे क्या? लगता अरे सर आप भी टोपा हो क्या, ये क्वेश्चन कौन पढ़ता है। है तेरी नौकरी गई। काहे सर, हम तो इतने दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अरे तुमसे ज्यादा बुद्धिमान लौंडा हमें मिल गया। अरे सर ऐसा ना करो, हम बहुत गरीब हैं, मेरी एक माँ दो भाई 3 बहनें हैं और मैं घर का इकलौता कमाने वाला आदमी। अरे सर रहने दीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, तुम दोनों एक साथ नौकरी करो और पैसा आधा आधा बांट लेना। बताओ तो मंजूर है कि नहीं? अरे सर हमें वो बिल्कुल मंजूर है, बात ये है ना कि हम थक जाते हैं अकेले काम करते करते, दो लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर मंजूर है हमें। भाई चूतिया हो क्या, 1 नंबर के, हम यहाँ चपरासी की नौकरी लिए थोड़ी ना आए, IAS की नौकरी।